रुक जा। तो गाइस ये मैच हो रहा है। हां जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग पता नहीं यार आजकल मैं इतने लंबे लंबे ब्रेक क्यों लेने लग गया हूँ। दस दस दिन के बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ। पता नहीं क्या हो रखा है, कोई मिल ही नहीं रहा कंटेंट जिंदगी में आजकल। जिंदगी वैसे तो बस जिंदगी चलती रहती है, कुछ ना कुछ कंटेंट देती रहती है, पर कंटेंट कई बार ऐसा देती है कि दिखाने लायक नहीं होता, तो फिर रिकॉर्ड कर ही नहीं पाते। अभी तो फिलहाल बहन ने भिजवाया राखी का, आया अपने पास फ्लिपकार्ट से उसने भिजवाया था और ये आ चुका है। देखते हैं अब इसमें क्या है। अरे कुशन, और एक ये इसको साइड पर रख दे एक बार। कवर कुशन का, लव यू ब्रो। ओके हाँ, और पिछली वीडियो में मैंने अपनी बहन को थैंक यू नहीं बोला था। वो पार्ट मैंने ट्रिम कर दिया था क्योंकि वो पार्ट अच्छा नहीं आया था, मैंने वो ट्रिम कर दिया तो वो मुंह फुला के बैठ गई थी। तो फिर थैंक यू वेरी मच जो मेरी बहन को, जो उसने इतना कुछ भेजा, और इसके लिए भी लव यू टू। तो अभी वो डिब्बा बचा है जो वो अनबॉक्स करते हैं। इसमें है मग, मेरे रूममेट को भी मग आया है। अरे निकल जा भाई, ये मग इसके साथ का ही है। और अंदर है राखी, ये है राखी जो कि हेमंत बांधेगा। हेमंत मेरी बहन बनेगा एक दिन के लिए। और कार्ड, हैप्पी राखी, अंदर क्या रक्षाबंधन। ठीक है जी, धन्यवाद। साथ में ये टीके वीके के लिए सिंदूर और चावल भी आए हैं। ये चावल तो हम अपने चावल में ऐड ऑन करके खा लें। बिग बास्केट से सामान मंगवाया था, कॉर्नफ्लेक्स, दूध, वो पड़ा देखो 1 लीटर वाला। हम दोनों बैठ के पी रहे हैं, मैंने थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स के साथ साथ अखरोट भी डाले हैं, पर इसने नहीं डाले महाशय ने क्योंकि इसको पसंद नहीं है। अभी इसको खा के या पी के जो भी है इसको हम जाएंगे फिर थोड़े टाइम बाद। यार देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं है सिर्फ बनाने को इस बार, तो इसीलिए आजकल व्लॉग्स में 10-10 दिन का गैप आ जा रहा है। मैं नहीं चाह रहा कि मेरा चैनल फिर से डेड हो, जो कि ऑलरेडी हो रहा है, क्योंकि पहले अच्छी खासी रीच आ रही थी, अब आनी बंद हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहता कि ये 10-10 दिन की गैप की वजह से थोड़ा रीच और कम हो। तो अभी कुछ ना कुछ ट्राई करके तो मैं 7 दिन या 1 हफ्ते में 2 वीडियोस एटलीस्ट डालूँ। तो अभी आज संडे है तो मेरे पास सच ऑनेस्टली कुछ है नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी तो फिर चने उबालने जा रहा हूँ। रात को चने भिगोने रखे थे रात को चने भिगो के रखे थे और अभी उनको उबालने जा रहा हूँ, तो देख लेना यार। ठीक है, जिनको नहीं उबालना आता, अरे कहाँ जा रहा है कैमरा, जिनको नहीं उबालना आता वो भी देख लेना भाई, क्या पता कई लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ मैगी बनानी आती है, देख लो चने कैसे उबालते हैं। तो कहाँ पर सेटअप करूँ इसको मैं खुद नहीं मालूम, मैं गिम्बल लेके आता हूँ। मेरा ट्राईपॉड तो टूट गया यार, अब सिर्फ एक ही जॉइंट बची है मेरे पास गिम्बल की। थोड़ी साफ सफाई भी करने वाली है आज, तो ज़्यादा माइंड मत करना इसे। मेरा अपना गिम्बल, मेरा अपना एडिटिंग सेटअप फिलहाल के लिए तो यही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अपन लोग शिफ्ट करेंगे ना दूसरे फ्लैट में, तो मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं फिर यहाँ पे। तो गिम्बल में सेटअप करते हैं फ़ोन, थोड़ा कैमरा एंगल वगैरह देख के फिर चने उबालते हैं। ये होते हैं चने, ठीक है, वरना कई बोलने करेक्ट करने लग जाएंगे मेरे को, बोलने लग जाएंगे भाई ठीक है। हमारे यहाँ इसको काले छोले भी बोलते हैं, जो वाइट वाइट होते हैं उन्हें सब चिट्टे छोले बोलते हैं, ठीक है, या फिर काबुली चना बोलते हैं, और इसको काला चना या फिर काले छोले, ठीक है, जो तुम्हारी भाषा में तुम्हें ठीक लगता हो तुम देख लो। तो देखो गैस पे कुकर चढ़ा दिया हमने, अब इसमें हम डालेंगे पानी, अपने हिसाब से डाल लेना जितना, अगर तुम बाद में सूप वगैरह पी सकते हो या फिर सूप वगैरह पी सकते हो या फिर जो उसका पानी बचता है ना
जो कि काफ़ी अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है, तो उस हिसाब से तुम पानी डाल लो और चने भिगो के फिर धीरे धीरे करके चने इसमें डालते जाओ। मैं ऐसे डाल रहा हूँ क्योंकि नीचे गिर जाएंगे, मेरे को मालूम है, अगर मैं डायरेक्ट प्लेट से डालूँगा तो। हमने इसी में भिगो के रखे थे पहले, पर लेकिन इसमें ट्रांसफ़र कर दिए क्योंकि उसमें ख़राब हो जाते हैं यार, पता नहीं कैसे बड़े बड़े, दस ज़्यादा टाइम पानी में रख देते हैं ना, इसलिए बैचलर्स लाइफ है यार, कभी ध्यान ही नहीं रहता, कभी टाइम नहीं होता, तो थोड़ा करना पड़ता है ऐसे भी। इसको हाई फ्लेम पे रख के इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी, अगर तुम्हारे पास घी नहीं है तो सरसों का तेल भी चलेगा, पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी क्योंकि हम घी खाने वाले लौंडे हैं, ठीक है, घर वाले घी बेचते हैं हमारे लिए, घर पे भी हम लोग घी ही खाते हैं, तेल भगवान ने कभी ऐसी नौबत आने नहीं दी, और मेरे पापा की मेहनत कि हमें कभी तेल से खाना नहीं बनाना पड़ा, बस नज़र ना लग जाए कोई टच वुड। और बीच में ये स्वाद अनुसार अपना नमक डाल लो, अब इसको हाई फ्लेम पे करके और ढक्कन लगा दो और 7-8 सीटी तक इसको चलने दो ऐसे। संडे है तो फिर आज साफ सफाई का भी दिन है, तो अभी करते हैं अपन साफ सफाई शुरू, ठीक है। अभी ये हाथ के हाल देखो मेरे, नया झाड़ू लेके आया हूँ, वो रंग छोड़ रहा है मेरे हाथों में। अरे यार नया झाड़ू की बुरा है ना, सारी गद्दे भी उड़ गई और ये गद्दा नीचे कलर छोड़ रहा है फर्श पे, तो देखो जो मेरा व्लॉग देखते हैं ना, ये देख लो, अभी ये रूम अपना टेम्परेरी है, ठीक है, तो कुछ महीने बिताने हैं इसमें, फिर बाद में जो पहले आने वाला था तीसरा बंदा हमारे साथ, उसके घर वालों ने तो मना कर दिया बाहर आने से, तो इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा टेम्परेरी बेसिस पे, तो कुछ महीनों बाद उसका हॉस्टल का ख़त्म हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, तो किसी अच्छे फ्लैट में फुली फर्निश्ड वाले में हम लोग हो जाएंगे शिफ्ट, किराया भी बढ़ जाएगा, हालांकि यहाँ पे 2500 पर पर्सन किराया, हम दो जने यानी 5000 टोटल किराया 2 BHK फ्लैट का, पर लेकिन फर्निश नहीं आया तो दिक्कत होती है, ये पंखा भी मैंने खुद ही लगा के लगाया है, ठीक है, तो फुली फर्निश्ड में AC वगैरह भी होगा, वहाँ पर अपना प्रॉपर सेटअप भी बन जाएगा, ठीक है, और ये भी कन्फर्म हो जाएगा 2 साल वहीं पर रहना, तो कुछ मंगवाने जो भी हो जाएंगे यार, यहाँ पे अभी कुछ महीनों के लिए मंगवा लूँ मैं, फिर बाद में शिफ्टिंग करते वक्त भाई पैसा ज़्यादा लग जाएगा शिफ्टिंग करने में, और ना हमारे पास इतना वो अभी गुंजाइश है कि इतना कर सके, हमारे पास घर वालों के पास है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे यार पैसे आते हैं और पता ही नहीं कहाँ उठ जाते हैं। तो गाइस फाइनली साफ सफाई पूरी हो गई, अब हम सीधा नहा के मिलते हैं। बैटरी से बैटरी निकाल रहा और सारा वो बैटरी वाला हरामी था, ठीक है, तो क्या कहते हैं मेरी मम्मी ने देख लिया, मेरी मम्मी गई थी वॉशरूम, और मेरी मम्मी का ऐसा है ना कि थोड़ी सी भी आवाज़ हुई ना मेरी मम्मी उठ जाती है, और मेरी बाइक खड़ी रहती थी, तो मेरी मम्मी ऐसे दिन में उठती रहती, शाम रात को उठती रहती थी, फिर मम्मी एकदम से चिल्लाई कि ओ चोर, ऐसे करके हम भी उठे, सारे बगदाले उठे, और वो सारा उसका दोस्त ही निकला जो चोरी कर रहा था भाई, वो हरामी चोर के घर ही चोरी हो गई भाई, हम तो गए भी नहीं भाई, फिर हमने कहा भाई होने दो, ऐसे साथ कैसे होने, दोस्त जो स्टार्स कह रहा हूं यार भाई, मैं बाद में करता हूं, हम लोग आए हैं अभी गोत्री, कॉपीराइट आ गया भाई, अरे नहीं आएगा, बीच में बोलता रहा नहीं आएगा, कॉपीराइट नहीं आएगा, बंद ही हो गया, अरे फिर से हां साथ में गौरव, हेमंत, विशाल, और इसको तो तुम लोग देख ही चुके हो,
तुम्हारा फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट तुम्हारा पीयूष मोना भी बदमाश मोना भी बदमाश बड़े क्रिएटर है, सारे बदमाश सच्चे के नीचे है। रुक जा। तो गाइज ये मैच हो रहा है आर्म रेसलिंग का मैच, विशाल और अभिषेक। 1 2 3 गो। काफी जोर लगाते हुए दोनों, और ये अभिषेक तुम्हारे ब्लॉगर हार चुके हैं। गाना भी तन्हाई वाला बज रहा है, और ये विशाल द जिम बॉय द पुकी जीत चुके हैं गाइस। अब नेक्स्ट मैच है गौरव का। गौरव आ जाइयो। हाँ, और तुम दोनों में से जो जीता उसका विशाल से, और विशाल उसमें से जो जीता वो मेरे से। गाइस मेरे से, मैं हूँ यहाँ का, समझ जाओ, छोड़ो। अबे इन दोनों का चलना, पहले तू दोनों करो ना। अबे मैं जीता ना अभी तुम। हाँ हाँ सही बात है। अब यहाँ पर गौरव और वन, अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। चलो एक और चांस दिया जाता है गौरव को। रुक जाओ, 1 2 3 पे स्टार्ट करना। अबे रुक जाओ, ब्लू कॉर्नर पे है हेमंत, दूसरे कॉर्नर पे है गौरव। 1 2 3 पता लग गया है गौरव दिन में कितनी बार हाथ का, खुद की बेइज्जती पर ही हंस रहे हैं। चलिए अब दो क्वार्टर फाइनलिस्ट का। तू भी तो लड़ा था किसी से, ऐसे तो हम पहले ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा। भाई फैमिली फ्रेंडली व्लॉग ठीक हवा में चढ़ा रहा है। रुक जा भाई, मेरा अंगूठा तो बाहर आने दे। चल चल लगा भाई, कोई हाथ लगाओ। चलो भाई चलो, 1 2 3 सीधा 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 करने दे। वो आ गया क्या? कर रहा है। पहले से रहा है। है भाई। एकदम नहीं लग रहा अभी भी। अभी भी सीधा। अभी तो ना, मैंने हाथ गिरा छोड़ रखा है। गिरा है। हाँ चल, 3 2 1 चल चल चल, देखते हैं भाई किसके डोलों में ज्यादा जोर है। पिछली बार तो इसने कट करवा दी थी, डालने नहीं दिया, इस बार देखते हैं। भाई हाथ फिसल गया था। इसने देख ले, वीडियो में देख ले, दोबारा लगा ले भाई। भाई हारने के देख देख भाई, मैं तो बोल रहा हूँ दोबारा लगा ले, दोबारा लगा ले। भाई हार भाई, तूने फाउल किया, दोबारा आ जा भाई। खुद का हाथ टेढ़ा हो गया, दोबारा आ जा भाई। वो तो टेक्निक होती है आर्म रेसलिंग में। भाई हाथ फिसल गया भाई, वीडियो में देख ले। हाँ भाई अमन भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन, हम आए हैं गोत्री गार्डन में। चलिए शुरू करते हैं। ये बकचोदी नहीं कर पा रहा इसको, इसको भाई बकचोदी करनी सिखाओ भाई। यार हमें भी थोड़ी सिखा दो बकचोदी करनी। क्लासेस लगती है। कोई नहीं भाई, हम क्लासेस लेने के लिए भी तैयार है। फार्म भरना पड़ेगा उसके लिए बकचोदी का। हां उसके लिए बकचोदी का फार्म भरना पड़ेगा। पुल अप मारने जाते क्या? पुल अप तो मैं जिम में नहीं मारता, ये मैं से पार्क में लगा रहा। अरे किचन का दिखा रहा हूँ, ये देखो राखी की थाली सजाता हुआ हमारा हेमंत। बहुत टैलेंटेड हुआ, हाँ हाँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है भाई, सारे काम खुद कर लेता है। आज ये मेरी बहन भी बनेगा। चलो इसे तैयारियां करने देते हैं, आएगा फिर मैं उसके राखी बांधूंगा, वो मेरे राखी बांधेगा। हम चलो जी, इसे समझो ना रेशम का तार भैया। भैया मेरी रक्षा करना भैया, पधारो बहना। भैया पैसे तो दे दो। अरे रुमाल नहीं पड़ा क्या? ये पड़ा ना, इतने तो धोए थे। ये नए निकाले हैं मैंने आज, पहनो सर। पहनो इसे। अरे रुमाल वगैरह भी रखते होते हैं क्या? माथे पे रखेगा नहीं भाई, ऐसे ही क्या भाई, क्या भाई कैसे भाई? हमारे नहीं रखते ना। पधारो बैठो, निक्कर में भैया में चलेगा। हाँ कोई नहीं, मेरा लहंगा। आ भी रहे नहीं, यही नहीं मान।
टाइट हो रही है टी शर्ट। भाई बाल बाल तो उठा ले भाई। लाओ भाई सीधा हाथ लाओ। रुक जा उल्टा कर सारा हाथ का आ रहा है ये सब करते हुए। हो गया भाई रक्षाबंधन हो गया भाई हमारा। आशीर्वाद तो ले लो बहन। ले ले भाई चॉकलेट खा ले भाई खूब होगा। सुनो भाई अब तू आंदे मेरे तो आ चल नहीं सुन रहा मेरी बात दिख रहे हैं हम लोग नहीं दिख रहे तो एडजस्ट कर लेंगे। अरे देख लेना तुम्हारे घर में भी ऐसा ही होता है। एक तो इतनी सारी है यहाँ ब्रेसलेट भी है। हो गया भाई। अरे खाई दिए सुअर इंटेक ज्यादा हो जाएगा भाई। कोई सुअर इंटेक कम कर देना मगर सुअर इंटेक ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या करूँ मैं धो दे। देखो मेरे को नहीं पता कितना आया कितना नहीं आया पर दिस वाज और रक्षाबंधन हम लौंडों का बैचलर्स का रक्षाबंधन चॉकलेट खा लेना। रक्षाबंधन मुबारक। बस फिर ये व्लॉग आज के लिए इतना ही था। अरे कहाँ जा रहा है यार ये व्लॉग इतना ही था तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। मीट इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर सी यू बाय।